नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम और अभी हूँ उत्तराखंड में और दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे हमें ये एक शानदार सा आम का बगीचा मिला है। हमें खाना खाना था और खाना आपको जैसे पता है कि हम हमारा सारा का सारा सामान साथ में लेके चल रहे हैं, तो खाना बनाने के लिए एक अच्छी सी जगह चाहिए थी और यहाँ हमने गाड़ी खड़ी कर दिया है। ये आम का जो बगीचा है, इनके जो ओनर हैं उनसे हमने पूछा तो वो बोले कि आप यहाँ मज़े से आराम करो और यहीं खाना खाओ और यहीं बनाओ। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा यहाँ का है और अभी तैयारी चल रही है। हमारी टीम के सारे साथी हैं, वो खाना बनाने में लगे हुए हैं। मस्त अंडा करी बनने वाली है और रोटियाँ। लेकिन यहाँ जो ठंडक है, ये आम के पेड़ हैं सारे के सारे और अभी छोटी छोटी कैरियाँ लगी हुई हैं। और धन्यवाद इनका भी कि इन लोगों ने हमें ये ऐसी जगह प्रोवाइड करवा दी। बहुत ही शानदार नज़ारा है, ये देखिए आप। और यहाँ पे अंडा करी की तैयारी, हमारे बीकानेर का भाई रामस्वरूप प्याज टमाटर और मिर्ची काटने में लगा हुआ है। इधर पवन और रविंदर लगे हुए हैं अंडे उबालने में। ब्रेड का पैकेट है और सारी चीज़ें, आटा भर के हमने रखा है, सारे बर्तन हम लेके और पूरी तैयारी के साथ चल रहे थे। जैसा आपको पहले भी बताया, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये आप देखोगे, ये ऐसे आम का ये बगीचा है लेकिन इस टाइम इतनी ये छोटी छोटी सी कैरियाँ हैं, छोटी छोटी कैरी हैं वो लगी हुई हैं इन पेड़ों पे। और सबसे खूबसूरती की बात ये कि जब ओनर से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि खाना बनाओ और ये पेड़ों से आम तोड़ो और खाओ। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। ये देखो नीचे गिरी हुई हैं कैरियाँ। ये इनकी रखवाली के लिए इन्होंने बना रखा है, यहाँ आम का जो बगीचा है इसकी रखवाली के लिए यहाँ पे ये छोटा सा टेंट सा बना लिया और यहाँ ये लोग रहते हैं रात को। और हमारी टीम में जो सबसे मोटा 103 किलो का जो बंदा है वो उधर आम के पेड़ से लटक रहा है। निकू, अरे ऐसे लटकेगा ये पूरा पेड़ ही टूट जाएगा, ये भारी है, 103 किलो का पूरा है। आम या कैरी सीधा पेड़ से तोड़ के खाने का जो स्वाद है वो वास्तव में अलग ही होता है। पेड़ के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो चलो चलते हैं वापस अपने किचन की तरफ।